नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर जनपद में पंचायत चुनावों को लेकर प्रत्याशी अपने वोटरों को साधने का हर प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम ने गुलाबठी क्षेत्र के गांव सेठा नूरपुर विलायतंगा से चुनाव को लेकर दौरा किया, जहां ग्रामीणों से किए गए प्रधान प्रत्याशी के सवाल गांव में कौन बनेगा प्रधान और किसके सर सजेगा प्रधानी का ताज, बोलो मतदाता और क्या कुछ कहा प्रधान प्रत्याशी परवेज आलम ने। आप भी सुनिए हमारे संवाददाता इकराम खान और सहयोगी नितिन मोदी से हुई खास बातचीत। गांव में पंचायत चुनाव के मद्देनजर दौरा चल रहा है, आप बराबर देख रहे हैं, लोग बागों से बातचीत हो रही है। यहाँ किराना की दुकान है, यहाँ हम पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का रुझान यहाँ है, किस तरीके के लोग बाग यहाँ वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जफरुद्दीन। आप थोड़ा इतनी आवाज में जरूर बात करिए जैसे दिख रहे हैं, जैसे कि युवा है, कम से कम एक जोशी की आवाज़ तुम्हारी ऊँची होनी चाहिए ताकि दूसरों तक जाए, दूसरों तक सुनाई दे और अपना जोश अलग से नजर आए। जफरुद्दीन, आपके गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा है, किसको प्रत्याशी मान रहे हैं अपना, किसके लिए वोट करना चाहते हैं? परवेज आलम बना हुआ है। ऐसा क्या रुझान है? लगभग जितने लोग हमें इस गांव में मिले, आसपास में मिले, रास्ते में मिले, सबने परवेज आलम को वोट किया, वो वोट करने का दावा किया। तो सभी समर्थक जो है इनसे खुश है काफी, और जो है सभी ने इन्हें चुना है, पूरे गांव ने मिलकर इन्हें चुना है, इसलिए आप भी इन्हीं को चाहते हैं। जी हम भी नहीं चाहते। देखिए एक युवा जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानी के चुनाव को लेकर के समाज में उनका एक अपना अलग सा रसूख है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर समाज का एक अलग सा सहयोग है। हर आदमी दावा कर रहा है, हर आदमी उन्हें पसंद कर रहा है। तो सेटा गांव में है, रास्ते से गुजर रहे थे, हमें कुछ लोग मिले हैं, इनसे जान लेते हैं इनके गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर के किस तरह का माहौल है, किस प्रत्याशी को ये लोग अपना मत दे रहे हैं, यहाँ से कौन विजय हो रहा है। आइए इनसे एक बार जान लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? आमिर। आपकी वोट आती है? पहले कभी वोट नहीं डाली? अभी वोट है इस बार प्रधानी के चुनाव में? अच्छा, वैसे आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आपके गांव में जो चुनावी माहौल है, किसके यहाँ दावत ज़्यादा हो रही है, सच बताओ, कौन जीतने वाला तुम्हारे हिसाब से? परवेज आलम जीतने वाले हैं ऐसा आपको लगता है? अच्छा आपका नाम क्या है? धर्मवीर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सेटे के रहने वाले हैं। आपके गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा है, चुनाव में कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, उनमें से किसको पसंद कर रहे हैं आप? परवेज आलम। परवेज आलम को बिल्कुल पक्का शौक? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप अपना वोट देना चाहते हैं या आप विश्वास रखते हैं कि परवेज जीत जाएंगे? जी विश्वास भी, वोट भी देंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आतिफ। आतिफ जी, आपके गांव में प्रधानी का चुनाव जोर शोर से है जी, जितने लोग लगभग हमें मिले हैं तय है कि परवेज आलम का हमें देखने को मिला है, लेकिन आप क्या दावा करते हैं, आप किसको बता रहे? बिल्कुल परवेज आलम। परवेज आलम, देखिए ग्रामीण किस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि सभी का कहना एक है, परवेज आलम, यहाँ सिर्फ परवेज आलम जीतते नजर आना है। आइए आगे, यदि कोई और भी हमें मिलेगा तो आप फिर से बातचीत कराते हैं। करेंगे, देखिए भाई साइकिल से गुजर रहे थे, हमने रोक लिया, इनसे बातचीत करते हैं, जान लेते हैं क्या है इनकी राय। आपका क्या नाम है? सतवीर। सतवीर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी तो साइकिल लेकर के कहाँ जा रहे हैं? हम कुछ काम से जा रहे हैं। आपको तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने अचानक से आपको रोक लिया। नहीं की नहीं। आपको कैसा लग रहा है कि आपके यहाँ चुनाव प्रधानी का चल रहा है? प्रधानी के चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं, कौन यहाँ से जीतने वाले हैं? जैसे जीतने वाले तो परवेज आलम। परवेज आलम, परवेज आलम हैं तो एक युवा पहले से कभी चुनाव नहीं लड़े, तो आप किस तरह, किस वजह से उन्हें पसंद कर रहे हैं, क्या उनके अंदर खासियत है? अच्छे हैं, वो बढ़िया हैं, समाज के प्रति अच्छा रुझान है, बढ़िया ऐसा आप मानते हैं? चलिए देखिए, भाई ने कहा कि ये भी परवेज आलम के समर्थक हैं, परवेज को वोट करने वाले हैं। गाँव में यहाँ हमारे साथ घर चालक है, जो रास्ते से निकल के जा रहे थे, इन्हीं से जानते हैं इनके गाँव में किस तरह का प्रधान को लेकर के उठा रहे हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मानते हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगे? जी जीत जाएंगे। आपके प्रत्याशी जो आप जिन्हें चुन रहे हैं वो परवेज रहेंगे? जी जी, ऐसा आपका दावा है? धन्यवाद। यहाँ इन्होंने बताया कि परवेज को वोट करना चाहते हैं, इनके अलावा भी बाकी लोग हमारे साथ हैं और भी हमें दिखाई दे रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और मिलवाएंगे आपको। आज हम पंचायत चुनावों के मद्देनजर जनपद भर में भ्रमण पर हैं, जहाँ गुलाबठी ब्लॉक के गाँव सेठा में हम पहुँचे हैं। यहाँ प्रधान प्रत्याशी हैं हमारे साथ, जिनसे हम बातचीत करने आए हैं,
साथ में कुछ और भी अन्य गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह की दावेदारी गांव में वो कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है, किन किन समस्याओं को लेकर के वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक युवा है, एक युवा सोच और युवा जोश के साथ हमें देखने को वो मिले हैं, जिसको लेकर के हमें भी उत्सुकता भरी क्षण लगे और लगा हमें इनसे भी जरूर मशवरा राय इनकी लेनी चाहिए। आइए आपकी बात कराते हैं, हमारे साथ मौजूद है प्रधान प्रत्याशी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परवेज आलम। परवेज जी, आप किस किस गांव से प्रधानी का दावेदारी कर रहे हैं? मैं गांव सैठा नूरपुर राजनगर। तो ये तीनों गांव एक ही साथ ग्राम पंचायत में लगते हैं, आपके मन में क्या विचार आया है, किस लिए आप प्रधानी रहे हैं? मेरे मन में विचार आया है कि कोई भी अभी तक ऐसी योजना आई है जिसको किसी को लाभ नहीं मिला है, और जितने भी काम हुए हैं यहाँ पर नहीं हो पाया है, सबने अपने अपने गाँव को काम करा है, यहाँ किसी का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के नाली फरंजे सब बेकार पड़े हैं, नालियों से पानी बाहर जा रहा है और कोई भी सुविधा का कुछ भी लाभ नहीं मिला। अभी जैसे हम आपके गांव पहुंचे, हमने भी आपके गांव में भ्रमण किया, देखा कि यहाँ किसी भी तरीके की पानी की टंकी की व्यवस्था नहीं है। वहीं हम रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में आपके गांव के बाहर एक रिवर नदी बहती है, काली नदी बहती है, उससे कितना प्रभाव यहाँ पड़ता है? नलों का पानी है सब देखा हमने। आप यदि प्रधानी जीते तो किस तरह निजात दिलाएंगे? एक पानी की टंकी बनाई जाएगी जिससे जो शुद्ध पानी मिल सके लोगों को। जी, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं आपके गांव में हैं? इसके अलावा नाला है हमारे यहाँ बहुत, जो आज तक बना नहीं, उसका पानी वहीं से बाहर को कोई निकाल नहीं है, जो नाली है जो अभी तक बनी नहीं है, शुरू से लाश होगा बनी थी नाली की, नाली ऐसी की ऐसी नाली से पानी बाहर जाता रहता है। जैसे अभी हम जहाँ मौजूद हैं, ये तो सैठा गाँव है जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं या आपके जैसे और भी दो गांव गिने हैं, आप उनमें कहीं उस गांव के रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आप पूरे बिलोंग करते हैं, किन लोगों का रुझान आपके तरफ ज्यादा है, कितना दावेदारी पेश करते हैं कि आप प्रधानी जीत जाएंगे? रुझान तीनों गाँव से बराबर है। आपके सामने कितने विपक्ष में प्रत्याशी हैं? विपक्ष में मेरे सामने जो है 4 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा हमने देखा आपके गांव में ऑटो का स्टैंड नहीं था, लोग बाग पैदल अभी रास्ते से गुजर रहे थे, हमारी उनके साथ भी बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि काफी दूर यहां से रोड पड़ेगा, वहां जाने के बाद उन्हें साधन मिलते हैं। आप गाँव में ऐसी समस्याओं का क्या समाधान?